Hello and welcome. In this tutorial, we will discuss some fundamental concepts and basic notations related to the set theory. We shall use the capital letters A, B, C and so on to denote sets and lowercase letters small a, small b, small c and so on to denote objects or elements belonging to these sets. If an object A, small a, belongs to a set capital A, then we write it as A belongs to A. This symbol we use in this case, this is the epsilon, and we say that A belongs to A. We can also say here ke jo A hai, A is the member of A, or we can also simply say that jo A hai, A is in A. So in this way we represent ke jo ye A element hai wo is set A mein A ko belong karta hai. Aur agar A element hai, if it doesn't belongs to the set A, then we simply write in this way. Ye epsilon ka sign lete hain aur yahan pe hum isko cross kar dete hain in this way. So this represents that this element A, it doesn't belongs to the set A. Aur agar there are two sets, suppose A and B, तो हम कहते हैं कि जो A है वो B का सबसेट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे. ये सिंबल हम यूज़ करते हैं सबसेट का. और A अगर B, A B का सबसेट कब होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ द एलिमेंट ऑफ B, देन वी से दैट A इज सबसेट ऑफ B. कहने का मतलब ये है दैट फॉर ईच x बिलोंग्स टू A, वेन एवर x बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो B को बिलोंग करता है, देन वी से दैट A इज सबसेट ऑफ B. जब A B का सबसेट है, वी कैन ऑल्सो से दैट A इज कंटेन्ड इन B. और समटाइम्स जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सपोज कई बार हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A कंटेन्स B. इस जब ऐसे लिखा हुआ होता है, जब हम ऐसे लिखेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसका मतलब है कि जो B है वो A के अंदर कंटेन्ड है. और अगर हम दो सेट्स लें, सपोज वी हैव टू सेट्स A एंड B, तो हम कहते हैं कि A B के इक्वल है. ये कब कहेंगे? इफ़ A इज़ कंटेन्ड इन B एंड B इज़ कंटेन्ड इन A. अगर A B में कंटेन्ड है और B A में कंटेन्ड है, देन वी से दैट A एंड B, दीज टू सेट्स आर इक्वल. और एक और हम यहाँ पे जो नोटेशन है उसको यूज़ करते हैं कि जो A सेट है वो B का सबसेट तो है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ ये तरीका है, यहाँ समटाइम्स जो कई बुक्स में आपने ऐसे देखा होगा इसको कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के इसको यहाँ पे क्रॉस करते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका मतलब है कि जो A है वो B का सबसेट तो है, लेकिन दिस इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन B. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेट लें, सेट A है विच कंटेन्स दीज टू एलिमेंट्स 1 एंड 2, और B सेट है विच कंटेन्स द एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3, देन हेयर A is clearly the subset of B, but moreover this is properly contained in B. Informally speaking, the set may be defined as the collection of well-defined and different objects, and also we know that we can represent the set either in the tabular form, which is also known as the roster form, or the set builder form. Aur aap in sets ke bare mein bhi aapko pata hoga. यहाँ पे कुछ सेट्स जो हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने कोर्स में. जैसे सेट है n, विच इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और फिर हम सेट जो लेते हैं, दूसरा सेट हम लेते हैं Q, विच इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. इसमें ये जो सेट है, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे जब मैंशन कर रहे हैं, ए अपॉन बी सच दैट ए और बी दोनों इंटीजर्स होते हैं, प्रोवाइडेड जो b है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये q है विच इज द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स. सिमिलरली हम कंसीडर करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम इस कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं. और सिमिलरली सेट है c, जिसको हमने अपने सिलेबस में कंसीडर करना है, विच इज द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. और क्लियरली आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो जैसे सेट नेचुरल नंबर का सेट है, दैट इज the subset of the rational numbers, which is the subset of real numbers, and which is the subset of complex numbers.
दिस इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम अपने सिलेबस में कुछ और इससे रिलेटेड सेट्स जो हैं डिस्कस करेंगे। जो नोटेशंस हैं उनको आपने ध्यान रखना है। जब z प्लस लिखा है दिस मीन द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यहाँ पे हमने z की बात नहीं की पहले, z जो है विच दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सारे जो एलिमेंट्स आएंगे, सो दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर हम यहाँ पे z प्लस लिखें, z के ऊपर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट जो है यहाँ पे प्लस का साइन दें, दिस मीन्स ये जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। और सिमिलरली जब q प्लस लिखा है, इस नोटेशन का मतलब क्या है, दिस मीन्स वी आर डीलिंग विद द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और अगर r प्लस लिखा होगा तो दिस मीन्स दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इन नोटेशंस का आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली हम डील करेंगे ऐसे सेट से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे z यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे स्टार का साइन है, दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सेप्ट दिस नंबर 0, मतलब ये सेट है पॉजिटिव सेट ऑफ द इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे दिस इज द सेट प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, इन सभी का सेट होगा, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगी। सो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, यहाँ कह सकते हैं सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्यू स्टार, सिमिलरली क्यू स्टार क्या है, दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, यहाँ पे इसको हम कह देंगे, दिस इज एक्चुअली दिस सेट, क्यू में से हमने इसका डिफरेंस ले लिया, क्यू में से इसको हमने यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है इस सेट को। सिमिलरली जो आर स्टार अगर हम लिखते हैं, सो दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। एंड अगर हम यहाँ पे सी स्टार लिखते हैं, देन दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑपरेशंस ऑन द सेट। सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, तो हम यहाँ पे दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, ए यूनियन बी, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें इस तरीके के एलिमेंट जो हैं एलिमेंट्स आते हैं एक्स सच दैट एक्स जो है अगर या तो वो ए का एलिमेंट है या वो बी को बिलोंग करे। सो ए यूनियन बी इज डिफाइंड इन दिस वे, द एलिमेंट इट कंटेन्स, इट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आइदर बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी। और इस केस में इस चीज़ को भी आपने समझना है कि एलिमेंट दोनों सेट्स में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए हमने सेट लिया है जिसमें 1, 2, 3 हमने एलिमेंट्स लिए हैं, और बी सेट है जिसमें 3 और 4 है, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सो ए यूनियन बी जो है दिस इज अ सेट कंटेनिंग दीज 4 एलिमेंट्स। और जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन बी इस तरह ए सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी, मतलब जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है वो इंटरसेक्शन है। और कई बार क्या होता है, कई बार जैसे सपोज ए और बी अगर डिसजॉइंट हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस टाइम हम बाय कन्वेंशन लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम एम्प्टी लिखते हैं, दिस इज दी एम्प्टी सेट। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट बेसिकली होता क्या है, जो एम्प्टी सेट है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें के कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो फाई है दैट इज इस तरीके से, ये जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम कुछ भी अगर नहीं लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन भी समटाइम्स यूज होती है एम्प्टी सेट के लिए। और इस जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये सेट लें ए विच इज द सेट ऑफ दोज नंबर्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड दीज आर द रियल नंबर्स सच दैट एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब सेट है ऐसे रियल नंबर्स का जो कि इस इक्वेशन के रूट हैं। हमें पता है कि इस इक्वेशन के दो ही रूट्स हैं, प्लस माइनस आइटा, और दिस मीन्स
देयर इज नो रियल नंबर जो के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो दिस मीन दिस इज एन एम्प्टी सेट. सो इन दिस केस ए जो है दैट इज एन एम्प्टी सेट. और अगर हमें सपोज कोई सेट दिया है फॉर एनी गिवन सेट, फॉर एनी गिवन सेट एक्स, जब हम एक्स की यूनियन लेते हैं विद फाई विद दिस एम्प्टी सेट, देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बाय कन्वेंशन. और अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं विद फाई, तो इसको इसका जो हम लिखते हैं रिजल्ट दैट इज फाई. और एक बात आपने अलग से ये समझनी है, वी अग्री ऑन द फैक्ट दैट फॉर एनी गिवन सेट एक्स, फॉर एनी गिवन सेट एक्स, जो फाई होता है विच इज द एम्प्टी सेट, दिस इज द सबसेट ऑफ एक्स. मतलब जो फाई है विच इज द एम्प्टी सेट, ये हर एक सबसेट हर एक सेट का सबसेट होता है. इन दिस ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस्ड सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक नोटेशंस रिलेटेड टू द सेट थ्योरी. इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस हाउ टू फॉर्म न्यू सेट्स फ्रॉम द गिवन सेट्स. थैंक यू.